हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू ऑल नो कि इस हाई लिंक सीरीज़ में हम स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए, जो अभी आपका सितंबर में होने वाला है। तो यहाँ पे हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं स्टेनो एग्ज़ाम में या सीजीएल में, जो भी एसएससी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट कराता था या अब टीसीएस कराता है, तो उसके हिसाब से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पिछले 5 दिनों में हम लोग 5 डिफरेंट टॉपिक कर चुके हैं, तो आज है 6th डे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस। ये हिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं है एक्चुअली, आप इसको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से मत कनेक्ट करिएगा। ये बेसिकली एक ऐसे छोटा सा ही टॉपिक है और इससे हर बार एक क्वेश्चन आए हैं। पिछले आप 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे स्टेनो या सीजीएल या सीएचएसएल का, तो आपको मिलेगा कि ये हर शिफ्ट में या हर एक पेपर में एक बार ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन। तो ये बार बार देखेंगे आप, इससे अच्छा है कि एक बार ही इसको पढ़ के पूरा ख़त्म कर दीजिए। और ये ज़्यादा हैं भी नहीं, बस 20 हैं आई गेस, 20 हैं। और आप एक बार इसको कहीं पे भी स्टिक कर लीजिए, या आप लिख के इसको याद कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट लेके, जैसे भी आपको सही पड़ता हो, और एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद इसमें आपको कभी नहीं प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और याद करने में भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि ये जिस भी चीज़ का रेवोल्यूशन है आप इसको बहुत ईजिली कलर से इसके रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये एग्रीकल्चर है। अब आप जानते हैं जहाँ पे ग्रीनरी रहेगी वहाँ पे क्या चीज़ ख्याल में आती है, एग्रीकल्चर, खेत, मैदान, यही सब आते हैं। फिर सेकेंड है वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क ऑब्वियसली वाइट होता है, प्योर वाइट होता है, इसलिए ये मिल्क से रिलेटेड है। देन है येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड का कलर आपको याद आएगा, मस्टर्ड के खेत आपको याद आएंगे। देन है ब्लू रेवोल्यूशन, फिश, पानी का कलर, आप वैसे तो वाटर कलरलेस होता है लेकिन फिर भी उसको ब्लू कलर बोलते हैं, क्योंकि जब आप उसको ओशन वगैरह में देखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखता है। फिर है पिंक रेवोल्यूशन, ये एक्चुअली 3 चीज़ के लिए होते हैं, अनियन, मीट एंड फार्मास्यूटिकल, लेकिन इसमें भी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वो फार्मास्यूटिकल होता है। अगर तीनों ही ऑप्शन में, वैसे कभी ऐसा होगा नहीं कि आपको तीनों ही ऑप्शन में दे दें, या तो फिर फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्मास्यूटिकल लेके चलेंगे। फिर है ब्लैक रेवोल्यूशन, ये पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम ब्लैक कलर का होता है क्योंकि। फिर ग्रे रेवोल्यूशन जो कि फर्टिलाइजर से है। देन है सिल्वर रेवोल्यूशन, एग एंड पोल्ट्री। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा कि एग तो वाइट होता है, वो प्योर वाइट कलर नहीं होता है एग का, जो भी होता है वो उसको सिल्वर कलर बोलते हैं। फिर है गोल्डन रेवोल्यूशन, ये हॉर्टिकल्चर और हनी से है, फ्रूट प्रोडक्शन से है। फिर है राउंड रेवोल्यूशन, पोटैटो राउंड होता है इसलिए है। फिर है ब्राउन रेवोल्यूशन, ये लेदर या कोकोआ से है। फिर गोल्डन फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो ये होता है आपका जूट के साथ। फिर है रेड रेवोल्यूशन, मीट या टोमेटो। फिर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, कॉटन के साथ है। अब देखिए, इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ऊपर है सिल्वर रेवोल्यूशन जो कि एक्स से रिलेटेड होता है, और उसके बाद आप देखिए लास्ट में है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये कॉटन से होता है। अब एक फाइबर की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तो बस ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको कभी नहीं प्रॉब्लम आने वाली है इसमें। इसी तरह देखिए, ये गोल्डन रेवोल्यूशन, फिर देन गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो ये फाइबर की वजह से जो एक वर्ड इसमें ऐड हो रहा है उसकी वजह से आपका आंसर चेंज हो जा रहा है। बस इतना ही सा था। नाउ कमिंग टू द टेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं, आप देखिए इनको सॉल्व करिए। जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप इसका आंसर करने की कोशिश करिए, और अगर आपको नहीं आ रहे हैं आंसर्स तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं, आपको मेमोराइज़ नहीं हो रहा है जो अभी तक हो चुका है। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, सिर्फ 5 वीडियो हैं, 5 टॉपिक्स हैं, आप अभी भी टाइम है, आप उसको लिख के याद करिए और तब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो वैसे मैं करवा दे रही हूँ इसके आंसर्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर इज़ अक्षरधाम टेम्पल सिचुएटेड, तो ये कहाँ पर था, नई दिल्ली में था। फिर है मानस लेक कहाँ पे थी, जम्मू कश्मीर में। देखिए, अब यही सब कन्फ्यूजन होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो असम में होती है, तो इसका मतलब ये लेक भी वहीं असम में ही होती होगी, तो यहीं पे गलत हो जाता है, ये एक्चुअली लेक जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेगा तो वो असम में है। फिर है कामाख्या टेम्पल, ये असम में है। पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान, इसको क्या बोलते हैं, शोरा बोलते हैं। कोचीन सीपोर्ट कहाँ पर है, केरला से। ये आप बहुत ईजिली कोची से याद कर सकते थे, क्योंकि कोची वहाँ पर एक प्लेस है। So that's all for today. Thank you so much for watching till the end. Here I am winding up the session. And please like, share and subscribe to my channel अगर आपको content पसंद आ रहा है। और इसके अलावा हम GA पढ़ रहे हैं, reasoning पढ़ रहे हैं और English भी पढ़ रहे हैं SSC स्टेनो exam के लिए। तो अगर आप चाहें मेरे साथ practice करना तो आप वो सारे videos भी follow कर सकते हैं। और so stay tuned for the next part. Next video में हम फिर से एक कोई topic इसी तरह continue करेंगे। Thank you so much.